गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स। और चैप्टर नंबर सिक्स कौन सा है आपका? इंटीजर। चैप्टर नंबर सिक्स है और चैप्टर नंबर सिक्स कौन सा है आपका? इंटीजर है। देखो इंटीजर क्या होगा, सबसे पहले अपन ने वो नंबर के डिस्कस किया था। वो नंबर क्या होगा, यानी जो आपका नंबर सिस्टम है। क्या है आपका नंबर सिस्टम है? और नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने किसका डिस्कस किया था? सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया किसका? नेचुरल नंबर का। किसका डिस्कस किया था अपन ने? नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर क्या होंगे? इन विच नंबर आर काउंटेबल। इन विच नंबर आर काउंटेबल, जिस नंबर की अपन काउंटिंग कर सकते हैं, जो वो नंबर कौन सा होगा आपका? नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? वन से। तो वन टू थ्री फोर डॉट, इस टाइप के जो नंबर है वो सारे कौन से नंबर है आपके? नेचुरल नंबर है। तो इन विच नंबर आर काउंटेबल इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, दैट इज स्टार्टेड बाय वन। जो वन से स्टार्ट होंगे वो कौन से नंबर होंगे आपके? नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है ना। फिर अपन ने सेकंड डिस्कस किया किसके बारे में? जो नेचुरल नंबर के पार्ट्स हैं। तो नेचुरल नंबर के पार्ट कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है आपका कौन सा? फर्स्ट पार्ट है आपका इवन नंबर। कौन सा नंबर है आपका? इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होगा? इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय टू। इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय टू, जो नंबर टू से डिविजिबल होंगे। इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय टू, जो नंबर टू से डिविजिबल होंगे वो कौन से नंबर होंगे आपके? इवन नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू डॉट, इस टाइप के जो नंबर है वो ये सारे नंबर टू से डिविजिबल है। तो जो नंबर टू से डिविजिबल है वो कौन से नंबर होंगे आपके? नेचुरल नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड आपका इसका सेकंड पार्ट कौन सा था आपका? ओड नंबर। और ओड नंबर क्या होगा? इन विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय टू, जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं है वो क्या होगा आपका? ओड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन डॉट, इस टाइप के जो नंबर है वो कौन से नंबर होंगे आपके? ओड नंबर होंगे। तो एक तो है आपका इवन नंबर और एक है आपका ओड नंबर। तो इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर क्या होगा? इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय टू, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड ओड इवन नंबर। और नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू, जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं है वो कौन से नंबर होंगे आपके? ओड नंबर होंगे, ठीक है। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है, किसका? नेचुरल नंबर का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट कौन सा है? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होगा कौन बताएगा? कंपोजिट नंबर क्या होगा कौन बताएगा बड़ा? कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, कंपोजिट नंबर क्या होगा सर? जीरो है। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? फटाफट जल्दी से, अच्छे से मैंने बताया बाबा कि कंपोजिट नंबर क्या होगा? शायद मैंने ये बताया होगा आपको कि इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय, इन विच आर नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ
एंड अदर नंबर, जो नंबर स्वयं से भी और अन्य अदर नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो वो कौन सा नंबर होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, जो नंबर स्वयं से भी और अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा तो वो कौन सा नंबर होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा। अब मेरे को एक ही बताना, क्या ये जो टू लिखा हुआ है, क्या ये टू आपका कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं, ये टू कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओनली और ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ है, ये केवल और केवल स्वयं से ही क्या है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, थ्री, क्या ये आपका कंपोजिट नंबर है? नहीं, ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी ओनली और ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ है। देखो वैसे तो अपन बात करेंगे ना तो सारे के सारे नंबर्स है वो वन से डिविजिबल होते हैं, लेकिन वन ना तो आपका कंपोजिट नंबर है और ना ही आपका प्राइम नंबर है। मैं बताऊंगा प्राइम नंबर भी क्या होगा। तो वन तो सभी वन से तो सभी नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, तो वो अपन यहाँ पे वन को काउंटर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो जो नंबर डिविजिबल होगा किससे, इटसेल्फ एंड अदर नंबर, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, जो नंबर स्वयं से भी और अदर नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, वो कौन सा नंबर होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, अब सुनो इसके एग्जांपल देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका फोर, क्या लिखा हुआ यहाँ पे फोर, ये देखो इटसेल्फ यानी स्वयं से डिविजिबल है, बाकी अदर नंबर, अदर नंबर किससे डिविजिबल है, ये टू से डिविजिबल है, तो ये नंबर इटसेल्फ एंड अदर नंबर डिविजिबल बाय, यानी स्वयं से भी डिविजिबल है और अदर नंबर से भी क्या है, ये डिविजिबल है, तो ये कौन सा नंबर होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, इन विच आर नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये जो फोर है ये आपका स्वयं से भी डिविजिबल हो रहा है और अदर नंबर कौन, टू से भी क्या हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है। नेक्स्ट सिक्स, ये नंबर भी क्या है, टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ यानी स्वयं से डिविजिबल तो है ही है, अब बाकी अदर नंबर कौन कौन है, टू और थ्री, तो जो नंबर डिविजिबल होगा इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल एट, इसके आगे चलेंगे, एट के आगे टेन, सॉरी एट के आगे नाइन, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि थ्री से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट टेन, ट्वेल्व है, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ये जितने भी सारे नंबर है ये कौन से नंबर है आपके, कंपोजिट नंबर है। तो सर मेरे को तो गर्मी लग रही है ना, तो अरे ये है आपके मुखिया जी सर है ना, तो बीच बीच में आके देखो फैन बंद कर रहे हैं। देखो कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट कौन सा है आपका, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है आपका, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होगा, इन विच आर नंबर डिविजिबल बाय ओनली और ओनली इटसेल्फ, जो नंबर केवल और केवल किससे डिविजिबल होगा, स्वयं से, बाकी किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो इन विच आर नंबर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ है, जो नंबर केवल और केवल किससे डिविजिबल होगा, स्वयं से डिविजिबल होगा, वही नंबर कौन सा होगा आपका, प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे टू है, टू क्या है, ओनली और ओनली टू से डिविजिबल है। थ्री, थ्री भी केवल किससे डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है। फाइव, फाइव भी किससे डिविजिबल है, फाइव से। सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी नाइन, थर्टी वन, थर्टी सेवन, फोर्टी वन, फोर्टी थ्री,
47 डॉट इस टाइप के। देखो यहाँ पे जो भी मैंने सारे नंबर लिखे हैं ये केवल और केवल सेम से ही डिविजिबल है, तो ये नंबर कौन सा होगा? आपका प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले जो आपके नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर के पार्ट है इवन नंबर, फिर सेकंड है आपका ओड नंबर, फिर थर्ड है आपका कंपोजिट नंबर, फिर फोर है आपका प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे वन नहीं दिख रहा ना कहीं पे भी, तो वन तो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही आपका प्राइम नंबर है। वन जैसे यहाँ पे देखो जीरो है, जीरो जीरो क्या है, ना तो आपका पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है ना, जीरो जीरो है। अब जैसे यहाँ पे जो वन है, वन भी क्या है आपका, ना तो कंपोजिट है और ना प्राइम है। ये जितने भी सारे नंबर है कंपोजिट और प्राइम, सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल है? वन से डिविजिबल है। इसलिए वन को अपन ना तो कंपोजिट नंबर कह सकते हैं और ना ही क्या कह सकते हैं उसे, प्राइम नंबर कह सकते हैं। अब सुनो, अब जो भी आपको देखो एक बार, ये प्राइम नंबर जितने भी लिखे हुए हैं, जितने भी प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, इसमें ये एक टू ऐसा ओनली वन नंबर है जो इवन नंबर है। ये टू ओनली एक ऐसी डिजिट है या ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी बाकी सारे नंबर है, ये बाकी सारे नंबर कौन से हैं आपके? ओड नंबर है। कौन से नंबर है? ओड नंबर है, ठीक है ना। ओनली और ओनली टू एक ऐसा नंबर है जो इवन है, वो किस में आता है? प्राइम नंबर में आता है। देखो प्राइम नंबर जो आपका कंपोजिट नंबर है, अब जो आपका कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर में तो क्या है, इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर में तो इवन नंबर भी है और ओड नंबर भी है। कंपोजिट नंबर में इवन नंबर भी है और क्या बात हो रही है नेविया, क्या बात हो रही है? सर ये वर्क करना है क्या? हाँ ये वर्क करना आपको, सर ये वर्क करना है क्या? हाँ ये वर्क करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो टू है, ये ओनली एक कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, जो किस में आ रहा है आपका? प्राइम नंबर में आ रहा है। जबकि कंपोजिट नंबर देखोगे ना आप, तो देखो कंपोजिट नंबर में क्या आ रहा है, ये कौन सा नंबर है आपका? ओड नंबर है। ये कौन सा है? ओड नंबर है। ये भी कौन सा है आपका? ओड नंबर है, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर में ओड भी आएंगे और इवन भी आएंगे, लेकिन प्राइम नंबर में ओनली ओनली और ओनली वन एक ऐसा नंबर है, कौन? टू, जो इवन नंबर है। बाकी जो सारे नंबर है, ये सारे नंबर कौन से हैं आपके? ओड नंबर है। बाकी ये कौन सा आपका? इवन नंबर है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए नेचुरल नंबर के पार्ट। अब यहाँ पे जो मैंने सेकंड आपको डिस्कस किया था, अपना सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर कौन सा है अपना? वोल नंबर। कौन सा है आपका? वोल नंबर। और वोल नंबर का अपन ने डिस्कस किसके अंदर किया? सेकंड चैप्टर में किया। तो वोल नंबर क्या होगा? इन विच नंबर आर इंक्लूड जीरो, जिस नंबर के अंदर या जिस नंबर के ग्रुप में अगर जीरो, जैसे आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वन टू थ्री फोर, ये ना। अब जो नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है, इसमें जीरो और इंक्लूड कर दो, और जीरो को इंक्लूड करने पर जो ग्रुप बनेगा वो किसका होगा? आपका वोल नंबर का होगा। किसका होगा? आपका वोल नंबर का। तो यहाँ पे जो आपका वोल नंबर है, इस वोल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे W से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट। ये लो देखो, नेचुरल नंबर में N 1 से स्टार्ट हो रहा है, और W यानी वो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इवन नंबर से होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट वोल नंबर 0, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, ठीक है ना। एनी डाउट? अब है अपना इंटीजर, जो चैप्टर है वो कौन सा है अपना? इंटीजर। अब देखो इंटीजर में क्या होगा, अब आपके जो नंबर्स है, अभी तक जो सारे नंबर है, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर पॉजिटिव है ना। जो नंबर पॉजिटिव के अंदर भी होंगे और नेगेटिव में भी होगा, और फिर इस प्रकार का जो एक ग्रुप होगा, सेट होगा, वो किसका होगा? आपका इंटीजर का होगा। किसका होगा? इंटीजर का, ठीक है ना। देखो सबसे पहले, अब ये जो जितने भी सारे पार्ट है, ये किसके पार्ट है? नंबर सिस्टम के पार्ट है। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन है? नंबर सिस्टम में पहला कौन सा है? नेचुरल नंबर। सेकेंड कौन सा है?
वोल नंबर, तीसरा कौन सा है इंटीजर, फोर्थ कौन सा है रेशनल नंबर, ये सारे इसी के पार्ट है, किसके, नंबर सिस्टम के पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका इंटीजर, देखो इंटीजर, और इंटीजर क्या होगा, इंटीजर में जो नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव है या जो वोल नंबर आपके, जो नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव में है उन्हीं को ही नेगेटिव में नोट करना। तो जो नंबर नेगेटिव के अंदर भी होंगे और पॉजिटिव में भी होंगे, जैसे सपोज करना ये आपका थ्री है, ये थ्री ये आपका नेचुरल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है और वोल नंबर भी है और आपका इंटीजर भी है, क्या है आपका इंटीजर भी है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का थ्री, तो ये माइनस का थ्री ओनली और ओनली क्या है इंटीजर है, क्या है ये इंटीजर है, ये आपका ना ही तो नेचुरल नंबर है और ना ही आपका वोल नंबर है। लेकिन ये जो प्लस का थ्री है ये नेचुरल भी है, वोल भी है और क्या है आपका इंटीजर, इंटीजर भी है। तो जो नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो, नेगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो, तो वो नंबर कौन से होंगे आपके, इंटीजर नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे आपके, इंटीजर नंबर होंगे। तो सबसे पहले इंटीजर जो नंबर है, इंटीजर जो नंबर है वो कौन कौन से है, तो इंटीजर नंबर है डॉट 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 डॉट, माइनस का फोर, माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन, फिर वन के बाद क्या आएगा जीरो, फिर वन टू थ्री फोर डॉट 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 डॉट, इस प्रकार के जो नंबर है। देखो माइनस से लेकर के प्लस, माइनस से लेकर के प्लस के बीच के जो नंबर है वो कौन से नंबर होंगे आपके, इंटीजर होंगे। अब देखो यहाँ पे जो जीरो है, जो जीरो है ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव है, ये एक न्यूटन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, न्यूटन वैल्यू है, क्यों, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में अपन प्लस करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, या किसी भी नंबर में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम आपका वही नंबर आएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फोर प्लस जीरो कितना हुआ फोर, और फोर माइनस जीरो कितना हुआ फोर। तो देखो एक बार इस सेम वही नंबर आ गया ना, तो यहाँ पे जीरो क्या है, एक आपकी न्यूटन वैल्यू है। जीरो कौन सी है आपकी, एक न्यूटन वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे जो इंटीजर है, इंटीजर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच के जो नंबर होंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यानी माइनस से प्लस के बीच की जो नंबर्स का जो पेयर होगा, ग्रुप होगा, वो किसका होगा आपका, इंटीजर का होगा। किसका होगा आपका, इंटीजर का, ठीक है ना। अब सेकंड देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस पेंडिंग टू नेचुरल नंबर, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखना एक बार, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्रॉस पेंडिंग टू नेचुरल नंबर बताओ यहाँ पे, क्रॉस पेंडिंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो क्रॉस पेंडिंग टू नेचुरल नंबर इट इज वी क्रिएट न्यू नंबर, वी क्रिएट दोनों में है बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, दोनों क्लास एक साथ चल रही है सर, दोनों में ये। अरे दोनों क्लास एक साथ चल रही है आपकी? यस सर। कौन कौन सी सर? साइंस की चल रही है और आप वो मैथ की, मैथ पढ़ा रहे हो जो। अरे साइंस कौन ले रहा है आपकी? सीमा मैम। क्या